बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माय नेम इज़ उमैर अहमद खान और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर से जो हमने प्रीवियस कंटिन्यूस हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा था, आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन आपको समझा देता हूँ कि चैप्टर नंबर 4 के स्टार्टिंग में क्या चीज़ें हैं और हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हम लोगों ने बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखे। सो हमारे पास जो बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे पास तीन बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक आपके पास होता है सिक्वेंशनल, दूसरा हमारे पास होता है कंडीशनल और तीसरा हमारे पास होता है आइटरेटिव या रिपीटेशनल स्ट्रक्चर, या फिर हमारे पास उसको लूप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में इनके बारे में देखा, ठीक है, और इनकी कितनी टाइप्स हैं वो भी हम लोगों ने देखी। फिर हम लोग मूव किया हम लोगों ने सीक्वेंशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा पूरा सीक्वेंशनल जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर है कि जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सीरियल ऑर्डर में जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर से कोई स्टेटमेंट जो है वो स्किप नहीं होगी, ठीक है, सारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेंगी। फिर उसकी एग्जांपल जो आप लोग दे सकते हैं वो एग्जांपल में हम लोगों ने लैब के जितने भी एक्टिविटीज़ की थी, फॉर एग्जांपल लेंथ और विड्थ ली यूज़र से, ठीक है, और उसका एरिया रेक्टेंगल का डिफाइन करा दिया, पैरामीटर हम लोगों ने उसका डिफाइन करा दिया, एरिया ऑफ द जो सर्कल है वो जो है वो डिस्क्राइब करवा दिया, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोगों ने सेल्सियस से फॉरेनहाइट वाला क्वेश्चन जो है वो कर दिया। सो वो सारे जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास सीक्वेंशनल आर्किटेक्चर के हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इफ स्ट्रक्चर को, जो कि कंडीशनल स्ट्रक्चर की पहली टाइप है, ठीक है। इफ स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इफ इज़ अ कंट्रोल ब्लॉक, इट इज़ द सिंपलेस्ट जो है वो डिसीजन स्ट्रक्चर, कि हमारे पास बहुत सिंपल सा डिसीजन स्ट्रक्चर था दैट कंटेन अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड अ कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू, ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट विल बी स्किप, ठीक है। No statement will be executed that is written inside the scope of the brackets, ठीक है। वो हम लोगों ने last lecture में, अगर आप मेरे देखें तो मैंने बहुत detail में उसके जितने भी question भी बनते थे बहुत detail के साथ explore किया। आज जो है वो हम next topic के ऊपर move करेंगे, that is if else। if else जो है वो बहुत important जो है वो architecture है। ये जो है वो हमारे पास सी के अंदर भी यूज़ हुआ है, सी प्लस प्लस के अंदर भी हुआ है, सी हैश के अंदर भी हुआ है, जावा के अंदर भी हुआ है, यानी कि ये हमारे पास जितनी भी स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ठीक है, जिसके अंदर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे होते हैं उसके अंदर जो है ये बेसिक आर्किटेक्चर जो है वो सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। कीवर्ड्स थोड़े से या सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट मीनिंग उसका सेम ही होगा। अगर हम देखें तो जो आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास है टाइप किस चीज़ की, इट इज़ अ टाइप ऑफ इफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, इफ वी हैव ओनली वन कंडीशन, ठीक है, इफ वी हैव ओनली वन कंडीशन वी यूज इफ स्टेटमेंट, ठीक है, एंड इफ वी हैव टू कंडीशन, ठीक है, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में जाएं तो क्या करता है, इट एवेल्युएट्स टू स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन सिंगल कंडीशन, ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, एल्स इज ऑप्शनल, के जो एल्स ब्लॉक है ये आपके पास ऑप्शनल होता है, ठीक है, यानी कि आप उसको ना लिखें तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स वाई वी कॉल इट इज अ टाइप ऑफ इफ स्ट्रक्चर। अब हमारे पास क्या चीज है कि इसके अंदर जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि बोथ ब्लॉक कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम, ठीक है, या तो इफ चलेगा या फिर हमारे पास एल्स चलेगा। बाकी इसका थोड़ा सा सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में देखें आपके पास इफ ये स्मॉल में ही लिखना है, ठीक है, दिस इज अ कीवर्ड यू कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल नेम और एनी अदर पर्पसेस, ठीक है। इसके बाद आपके पास आती है कंडीशन। अगर आप लोग डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है वो पहले जो है वो पिछली वीडियो देखें, उसमें मैंने कंडीशन बनाने का भी तरीका वहाँ पर बताया हुआ। यहाँ पर इस जो टॉपिक है इसमें मैं डायरेक्टली गो थ्रू करूँगा। उसके बाद आता है ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट, एल्स ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। इस चीज को पहले थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पर एक और चीज भी है जो एक लास्ट पॉइंट हमारे पास रह गया कि else cannot contain any condition। कुछ लोग क्या करते हैं कि जी यहाँ पर भी कंडीशन लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो कंडीशन जो है वो सिर्फ इफ के अंदर ही लिखी जाएगी, एल्स के अंदर जो है वो हम लोग जो है वो कंडीशन नहीं लिखते। सो ये तो थोड़ी सी थी इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन। अब आ जाते हैं कि जी इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऊपर, ठीक है। हम लोगों ने चैप्टर 3 के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था कंडीशनल ऑपरेटर,
अगर आप लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर मेरी प्लेलिस्ट के अंदर से जाके कंडीशनल ऑपरेटर वाली वीडियोस देख लें, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर कि आपके पास एक कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है और उसको वो कहते हैं कि इसको इफ एल्स में कन्वर्ट करें, या फिर आपके पास इफ एल्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें आप लोगों से कहा जाएगा कि इसको कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट करें। लेट्स से कि हम जो प्रीवियस लेक्चर है उसी की एग्जांपल को हम आगे लेके चलेंगे कि उसके अंदर क्या हुआ था और इसके अंदर क्या चीजें चेंज आई हैं। लेट्स सपोज के हम लोग एक इवन ऑड का प्रोग्राम ले लेते हैं, अगर आप इसका फ्लो चार्ट भी समझें, ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट बनेगा कि आपके पास कंटिन्यूस जो सिक्वेंशनल आर्किटेक्चर चला आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास फिर लेट्स से कि एक रोड आ गया, यानी कि एक चौक आ गई है कोई, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कि यहाँ पर अब आपके पास रोड जो है वो खत्म हो रही है और आगे दो जो है वो हमारे पास वेज निकल रहे हैं, ठीक है। सो इफ यू वांटेड टू गो टू दिस वे और दिस वे, एक हिस्से को हम लोग कह लेते हैं ट्रू और एक हिस्से को हम लोग कह लेते हैं फॉल्स, एंड दैट इज योर कंडीशन। अब कंडीशन के अंदर यहाँ पर आपके पास जो है वो स्टेटमेंट वन और यहाँ पर आपके पास क्या है स्टेटमेंट टू। अब ये दोनों एग्जीक्यूट करवाने के बाद उसी तरह से जो है वो नेक्स्ट आपके पास जो भी कंडीशन आएगा, यानी कि ऊपर से एक सिक्वेंशनल आर्किटेक्चर चला हुआ आ रहा, ठीक है, यहाँ पर आगे आपके पास एक कंडीशन लगी हुई है वो या तो ट्रू होगी या तो आपके पास फॉल्स होगी। अगर आपके पास कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो आपके पास कंप्यूटर में वन रिटर्न होगा, अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स रिटर्न होती है तो आपके पास जीरो रिटर्न होगा। और ये जो आप कंडीशन लिखेंगे इसके अंदर जो भी आप कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, जिस टाइप की भी एक्सप्रेशन लिखेंगे उसके अंदर एक चीज़ मस्ट है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आने चाहिए या आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स आने चाहिए, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि वो एक कंडीशन को बनाने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी जो हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है, उसमें बहुत कॉमन एक टाइप है। अगर आपसे कोई पूछे कि बाय डिफॉल्ट बेसिकली क्या होती हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ही होती हैं, ठीक है। अगर आप किसी लूप के अंदर या इफ के ब्लॉक के अंदर अगर आप कुछ भी ना लिखें तो वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, इफ के अंदर वो एक दफा करेगा और लूप के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास अनडिफाइंड जो है वो लूप लग जाएगा। सो बाय डिफॉल्ट जो है वो कुछ कंपाइलर उसको फॉल्स लेते हैं और कुछ जो है वो वन लेते हैं। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, अपने प्रोग्राम को लिखते हुए कि वो बेसिकली क्या चीज रिटर्न कर रहा है, ठीक है। कि आप एक सिंपल आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप इफ इसको छोड़ दें एंड देन सी आउट अपने प्रोग्राम के अंदर टेस्ट, तो आपको पता लग जाएगा कि ये बेसिकली अगर ये वाला जो है वो टेस्ट आपके जो है वो आउटपुट के अंदर लिखा हुआ नजर आया तो इसका मतलब है कि इसने जो है वो वन लिया है और अदरवाइज जो है वो इसको जीरो ले रही है, ठीक है। तो ये कंपाइलर को आप इजीली चेक कर सकते हैं कि वो बाय डिफॉल्ट क्या चीजें ले रहे हैं। अच्छा, अब इसके आते हैं प्रोग्राम्स के ऊपर। सो हम एक सिंपल से प्रोग्राम के ऊपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मैं ज़्यादा उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन माय प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर हम इवन ऑड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इवन ऑड को चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। लेट सपोज के स्टार्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर, दीज आर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इंक्लूड देन आईओ स्ट्रीम डॉट एच कोनियो डॉट एच, दिस इज ऑप्शनल। अगर आप गेट सी एच नहीं यूज़ करें तो इसको ना यूज़ करें बेशक, अगर आप कोड ब्लॉक यूज़ करें तो फिर आप इसको ना यूज़ करें, आप लोग जो है वो रिटर्न जीरो लिख लें, ठीक है, वो सेम काम करेगा। और अगर आप सी डेव सी यूज़ करें तो आपको यहाँ पर डॉट एच हटाना पड़ेगा, यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको इंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में अपनी प्रीवियसली भी बता चुका हूँ, ठीक है, कि जब आप कंपाइलर के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो डैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया इंट एन, ठीक है, तो मेमोरी के अंदर हम लोगों ने एक स्पेस बना दी, मैं उसको साथ साथ ही एग्जीक्यूट कराऊंगा, दिस इज योर रैम, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो एन है, इसकी डेटा टाइप इंट है और इसमें फोर या दो डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर वो कितने बाइट्स ले रहे हैं, ठीक है। टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं तो दो बाइट लेगा, और अगर आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं डेफ सी प्लस प्लस या कोड ब्लॉक तो वो हमारे पास फोर बाइट्स लेगा। हम लोगों ने ये डिक्लेरेशन करवा दी, देन हम यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। लेट सपोज हम कहते हैं कि सी आउट इंटर एनी इंटीजर, ठीक है, सी एन एन, इससे क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर मैं साथ साथ आउटपुट भी आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। आउटपुट सबसे पहला काम ये पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो ये वाला काम हुआ, सेकंड लाइन ये जब एग्जीक्यूट हुई तो ये आपके पास जो है वो स्ट्रिंग्स में लिखी हुई है, तो जो चीज़ भी स्ट्रिंग में लिखी हुई होती है वो एज इट इज़ डिस्प्ले होती है एक्सेप्ट एस्केप सीक्वेंसेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ आएगा इंटर एनी इंटीजर और यहाँ पर आपके पास कर्सर ब्लिंक करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सीन लिखा हुआ है, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, यानी कि इसने कुछ एक्सट्रैक्ट करना है कहाँ से, कीबोर्ड से जो आप प्रेस करेंगे। लेट सपोज वी से 12, अब हम लोगों ने ये 12 दिया है, ये कहाँ पर स्टोर हो गया, बेसिकली दिस थिंग, ठीक है, तो इतना अभी आप ध्यान में रखें। अब हमने इसको चेक करना है कि ये बेसिकली इवन है या ऑड है, तो हम यहाँ पर एक कंडीशन पुट करेंगे, ठीक है। अब कंडीशन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि जो एन है उसका हम लोगों ने लेना है मॉडुलस, ठीक है, किसके साथ, टू के साथ, और उसका आंसर जो है
आपके पास अगर जो है वो जीरो की इक्वल आ रहा है, अब दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर है, यानी कि वो इस हिस्से को और इस हिस्से को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल दिस इज योर ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है तो आपको ये ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। सी आउट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इवन एंड देन एल्स सी आउट ऑड। अब अगर हम डिस्कस करें कि ये हमारे पास जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये प्रीवियस स्ट्रक्चर से किस तरह से डिफरेंट है, तो प्रीवियस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ये ब्लॉक नहीं था, ठीक है, तो उससे क्या होता था, लेट सपोज हम लोगों ने 12 लिखा तो हमारे पास लेट सपोज शो हो गया इवन, बिकॉज ये वाली कंडीशन आपको 1 रिटर्न करेगी, जब इसने 1 रिटर्न किया तो आपके पास इवन शो हो गया, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इवन ही शो हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑड था तो हमारे पास ये कुछ भी नहीं शो हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है, कि पहली चीज़ जो कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने कंडीशन नहीं पुट करनी, ठीक है। दूसरी चीज़ वो यहाँ पर जो है वो सेमी कॉलन पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर भी सेमी कॉलन पुट नहीं करना, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक कि वो क्या करते हैं, अगर यहाँ पर दो वो मैंने एक एग्जांपल दी थी कोरोना वाली, ठीक है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखें तो वहाँ पर क्या था, मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, अब यहाँ पर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, सो अगर मैं ये हटा भी दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है या बेटर प्रैक्टिस है कि आप ये ब्रैकेट्स को यूज़ करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। वैसे जो है वो आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के अंदर नज़र आ रहा होगा बुक के अंदर, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि जहाँ पर एक स्टेटमेंट है वो इसका पार्ट है, बाकी अदर स्टेटमेंट इसका पार्ट नहीं है, उसकी भी डिटेल जो लेक्चर की वीडियो है वो मेरी प्रीवियस जब मैंने इफ समझाया था तो मैंने बहुत डिटेल में उस चीज़ को समझा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये ब्लॉक चला है तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है, ये उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर भी मैंने नोट करवाया। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ 13, अब यहाँ पर आपके पास क्या रिटर्न आया, जीरो। सो इफ द कंडीशन इफ कंडीशन इज फॉल्स else block will be executed, ठीक है जी। else block में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, odd। सो ये हमारे पास देखें दो टेस्ट केसेस बनेंगे, ठीक है, कि या तो यूजर जो है वो इंटर करेगा इवन नंबर या फिर odd नंबर। इवन को चेक करने का हमारे पास तरीका आसान सा कि हम लोगों ने मॉड्यूलस ऑपरेटर को पढ़ा था और वो हमेशा इंटीजर डेटा टाइप के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको रिमाइंडर में हमें बता देगा कि आपके पास आंसर जीरो आया है कि नहीं आया। अगर ये आंसर जीरो आया है इसका मतलब है उसने रिटर्न वन किया और आपके पास इवन शो हो रहा है, एंड ऑन द अदर साइड की अगर ये चीज़ फॉल्स होती है तो आपके पास ये ऑड शो होता है। अच्छा, और ये तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सी एग्जाम्पल हो गई। अगर इसका एक और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो बन सकता है, जो हम लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा था, ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर को भी मैं इसी में कवर कर देता हूँ कि हम लोगों ने ये जो आपके पास लाइन लिखी हुई है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, सॉरी यहाँ से इफ से, ठीक है, इससे लेके यहाँ तक ब्लॉक जो है वो अगर हम कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू लिखना चाहें, ये हमने चैप्टर नंबर 3 के एंड टॉपिक्स में कवर किया था, सो हम यूज कर सकते हैं एन एन मॉड टू is equal equals to zero question mark, ठीक है, question mark के बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिखना है, सी आउट इवन, उसके बाद आप लोगों ने क्लोज करना है, अब यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेंगे कॉलन, ठीक है, और कॉलन के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सी आउट ऑड। सो ये सेम प्रोग्राम आपके पास कंडीशनल ऑपरेटर से भी यूज हो सकता है। सो कंडीशनल ऑपरेटर का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 और 17 के किसी पेपर के अंदर है, वो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कंडीशनल ऑपरेटर का अल्टरनेटिव क्या है, तो दैट इज इफ एल्स, और अगर आपसे पूछा जाए कि एल्स इफ का अल्टरनेटिव क्या है तो दैट इज योर कंडीशनल ऑपरेटर, इसको टनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब बढ़ते हैं जी अपने अगले टॉपिक के ऊपर, यहाँ पर बेसिकली एक्सरसाइज में सेम है। अब जो है वो हमारे पास इफ एल्स वहीं पे अप्लीकेबल होगी जहाँ पर आपके पास व्हेन वी हैव ओनली टू कंडीशन टू एवेल्युएट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कंडीशन, ठीक है, जहाँ पर आपके पास सिर्फ दो कंडीशंस बन रही हो, ठीक है। अब इवन ऑड का हमारे पास केस आ सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे यूजर कहता है कि इंटर एंड इंटीजर, ठीक है, और अगर जो है वो नंबर अगर आपके पास लेट सपोज इसी को थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज कर देते हैं तो आपके पास एक और प्रोग्राम लिखा जाएगा, ठीक है, एक और एग्जांपल आपके पास आ जाएगी। लेट्स सपोज हम लोगों ने एक इंटीजर लिया है तो हम ये कहते हैं कि अगर इंटीजर जो है वो ग्रेटर देन 10 है, अगर नंबर ग्रेटर देन 10 है तो आपके पास स्क्वेयर प्रिंट आए, सो आप लोग लिखेंगे स्क्वेयर इज इक्वल टू एन स्टेरिक एन। अब इसकी भी डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, दिस इज एन एक्सप्रेशन, तो ये जो है वो एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया, इसका आंसर आएगा, सो अगर हम उसका स्क्वेयर लें तो आपके पास ये स्क्वेयर आ जाएगा, और ऑन द अदर हैंड के अगर ये 10 से ग्रेटर नहीं है इसका मतलब है लेस होगी, सो फिर आपके पास क्यूब प्रिंट आए, सो हम उसको लिख सकते हैं क्यूब इज इक्वल टू एन स्टेरिक एन स्टेरिक एन। सो एक और एग्जाम्पल आपके पास जो है वो आ सकती है।